हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। कैसे हम लोग एरर को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम एरर को मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के साथ कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमको देखना है। पिछले टॉपिक्स में हम लोग देख चुके थे कि किस सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे एरर्स कैसे मेजर करते हैं और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं और कैसे उसको हम मेजर कर सकते हैं, कैसे उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एरर्स के बारे में। पहले हम एरर्स पे जाएं, उसके पहले हम देख लेते हैं दो टर्म्स। ये टर्म्स हैं हमारे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो इसमें दो टर्म्स जरूर आएंगे, एक आएगा एक्यूरेसी और दूसरा आएगा प्रिसीजन। हम जो मेजरमेंट किए वो कितना एक्यूरेट है, हमने जो मेजरमेंट किया वो कितना प्रिसाइज है। अगर हम एक मेजरमेंट देखते हैं तो देखने से लग रहा हो कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है, दोनों तो लगभग एक ही टर्म है, लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। पर हम देखते हैं क्या है एक्यूरेसी और क्या है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी मीन्स हाउ वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ एक्यूरेट वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, एंड प्रिसीजन मीन्स हाउ प्रिसाइज द डेटा इज, means what is the limit of resolution of measuring the quantity, कितना हम लोग उसको precise measure कर पा रहे हैं। अब basically इन दोनों को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा example लेके चलते हैं। ठीक है, so ये एक game है, आर्चरी के game देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे circles बने हुए हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, इस पर निशाना लगाना है। ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट पे लगा निशाना 10 पॉइंट, इसमें 8 पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट और इसमें 4 पॉइंट, इस क्षेत्र को निशाना लगाना है। तो दो लोगों ने इस पर निशाना लगाया, एक बार ए ने और एक बार बी ने। ठीक है, तो ए का निशाना कैसा रहा, तो हम लोग उसके 5 ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं। तो पहला उसका निशान लगा सीधे बुल साई, सीधे एकदम सेंटर में लगा, 10 पॉइंट्स मिल गया उसको पहला निशान। ठीक है, तो पहला ही मिल गया उसको 10 पॉइंट। दूसरा निशान लगा यहाँ, मिल गए 8 पॉइंट्स। तीसरा निशान लगा यहाँ पे उसके, यहाँ मिल गया 3 पॉइंट्स। और चौथा निशान लगा उसको, यहाँ मिल गए 6 पॉइंट्स। पांचवा निशान लगा उसको, यहाँ मिल गए 8 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, तो 10, 8, 3, 6, 8। लेट्स सी हाउ पी डज दिस। सो फर्स्ट उसके पहला निशान लगा यहाँ 8 पॉइंट, दूसरा निशान लगा यहाँ 8 पॉइंट, तीसरा निशान लगा यहाँ 6 पॉइंट, चौथा निशान लगा यहाँ 8 पॉइंट, पांचवा निशान लगा यहाँ 6 पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, कौन सा ए और बी में से किसने ज्यादा एक्यूरेट निशान लगाया, विच इज मोर एक्यूरेट। एक्यूरेट की बात करें तो ए ने एक बार 10 पॉइंट लिया है, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। बट किसने जो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को टच किया, हम कहेंगे बी। तो बी में वेरिएशन क्या है, बी के वेरिएशन बहुत कम है, जबकि ए के वेरिएशन क्या है, ए के वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज मोर एक्यूरेट बट दिस इज मोर प्रिसाइज। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। एक्यूरेसी में वैल्यू ज्यादा एक्जेक्ट
वैल्यू के ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज रहता है, बट प्रिसीजन में एकदम क्लोज ना रह के भी ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है, उसके आसपास ही रहता है। जो मेजरमेंट रहता है बार बार लगभग वही मेजरमेंट बार बार रिपीट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू और इसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। क्लियर? नाउ इफ आई हैव टू मेजर द एरर्स, तो कैसे हम एरर्स को मेजर कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो एरर्स को मेजर करने में ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एरर कैसे हम लोग एरर को मेजर करें। सो किसी भी क्वांटिटी का किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करें उसमें एरर कितना होता है, तो एरर कैसे निकालेंगे। तो एरर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। एरर कैसे निकाल रहे हैं, जब भी हमको एरर निकालना हो वो ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। सपोज कीजिए राशन की दुकान पे गए आलू खरीदने, ठीक है, आलू खरीदने गए, मम्मी ने बोला सर 2 kg आलू खरीद के लेके आना है, आप गए आलू खरीदने, राशन वाले ने आपको आलू दिया, उसने आपको 2 kg मेजर करके देखा, बट जब आप घर पे लेके आए आपकी मम्मी को लगा नहीं 2 kg जितना आलू नहीं है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आपके पास वेइंग मशीन था, आपने उस पर आलू मेजर किया तो ये आया आपका 1.8 kg। तो मेजरमेंट में कितना उसने एरर किया था, उसको मेजर करना चाहिए था 2 kg, बट उसने मेजर कितना किया 1.5 kg, तो एरर कितना उसने दिया था 0.2 kg। नाउ दिस एरर, ये जो एरर हमारा आया, हो सकता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझ के ही किया हो, तो दोनों हो सकता है। तो जानबूझ के किया या नहीं किया वो बाद की बात है। एरर कितना है तो 0.2 kg, दैट इज 200 g, दैट इज वेरी लार्ज एरर, ये काफ़ी लार्ज एरर है परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द एरर्स, जब भी एरर्स को मेजर करना है तो एरर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, दिस इज हाउ वी कैन मेजर एनी एरर, ठीक है। तो दिस इज किस तरह से हम लोग एरर को मेजर कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। ना हमको देखना है कि एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। Let us see the topic types of error. Types of error. Error के कितने types हो सकते हैं? तो error को हम basically 3 categories में divide करने वाले हैं, ठीक है? और भी categories में divide किया जाता है different books में, but somehow देखा जाए तो एक दूसरे से interrelated है, इसलिए हमने उसको basically 3 categories में divide करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहला हम लेते हैं सिस्टमेटिक एरर। कुछ लोगों को ये सब टॉपिक्स काफी बोरिंग लग रहे होंगे, लगने भी चाहिए क्योंकि इसमें फिजिक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही है। क्या एरर पर रहे सर, झूठ मूठ के सर, कहीं पे स्पीड वेलोसिटी दिखता, कहीं पर फोर्स दिखता है, कहीं पर वर्क दिखता है, कहीं पर साउंड दिखता है, तब ना मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। तो वो भी आएगा, चैप्टर्स आएंगे और देखते हैं कितने मज़ा आता है, पहले अभी हमको ये थोड़ा सा इसको झेलना होगा, ठीक है। झेलना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस टाइप को हम टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में उससे अलग है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जस्ट आगे हैं। और उसको आगे जाने के पहले हम लोग दो क्लासेस के बाद हम मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, मैथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, बट मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैथ के टॉपिक्स देखेंगे क्योंकि जो कि फिजिक्स में हमको यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम ये टॉपिक्स देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर हैं, तो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड द लीस्ट काउंट एरर, ये तीनों में से एरर्स किसी भी मेजरमेंट में आते हैं, ठीक है। नाउ
देखते हैं कि तीन टाइप के एरर्स है क्या। स्टार्ट करते हैं अपने पहले एरर के साथ, सिस्टमेटिक एरर। दो एरर्स विच आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड विच कैन बी मिनिमाइज्ड, विच कैन बी मिनिमाइज्ड आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या हुआ? तो वैसे एरर्स जो या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, और जिसको हम मिनिमाइज कर सके, हम उसको कम कर सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। एक पर्टिकुलर सिस्टम से हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, हम लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, तो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो किस तरीके से सिस्टमेटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज करें, क्या होता है सिस्टमेटिक एरर, पर ये हमको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है, कब ये पॉजिटिव आ रहा है, कब ये निगेटिव आ रहा है, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक वेट है, जो वेट है 1 kg का एक वेट है। देखते हैं हमारा जो मैनुअल वेट रहते हैं वो लोहे के रहते हैं, और क्या रहता है कि उसमें वेयर एंड टियर आते रहता है, जैसे जैसे पुराना तरीके से वेयर एंड टियर आते जाते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत सालों के बाद एक दुकानदार के पास जो वेट था 1 kg का, वो घट के कितना हो गया है, तो वो घट के हो गया है वीर एन टीयर का, जब लग गया जो भी वैसे हुआ उसको घट के उसके वेट कितना हो गया, तो 950 ग्राम। अब 950 ग्राम हो गया तो मतलब क्या, तो अगर वो इसका उसको पता है कि 950 ग्राम, तो 50 ग्राम बढ़ा के देता हमको, लेकिन वो देगा नहीं। तो क्या हो रहा है, वो मेजर कर रहा है, तो क्या मेजर कर रहा है, हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमको 1 kg कुछ, 1 kg सब कुछ कुछ नहीं लेना है। हम गए उसके पास, भैया 1 kg चीनी दे दो। तो उसने मैंने क्या किया, 1 kg चीनी को दिया और पैक किया, और हमको 1 kg चीनी प्रोवाइड कर दिया। हम भी खुशी खुशी लेके आ गए, पर क्या उसने 1 kg चीनी हमको दिया, क्या वो 1 kg चीनी हमको दे रहा है? तो नहीं, वो हमको 1 kg चीनी नहीं दे रहा है। तो वो कितना दे रहा है, इज प्रोवाइडिंग अस ओनली 950 ग्राम ऑफ चीनी। तो वो क्या हो रहा है, तो अभी हम इसमें एरर देखने वाले हैं कि इसमें एरर कितना आ रहा है। तो एरर क्या था, ट्रू वैल्यू कितना था, 1000 ग्राम, कितना दिया हमको, 950 ग्राम। एरर कितना आ गया, 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम का पॉजिटिव एरर आ गया, 50 ग्राम को कम दिया उसने, दैट इज पॉजिटिव एरर, ठीक है ना। 50 ग्राम उसने हमको कम चीनी दिया। तो ये क्या, ये कभी ऐसा हो सकता है कि 50 ग्राम हमको ज़्यादा चीनी मिल जाए उसी वेट से? नहीं, नहीं होने वाला है। तो हमको क्या हो रहा था, हमेशा 50 ग्राम कम चीनी मिलेगा। तो जब भी वो मेजर करेगा वो 50 ग्राम कम मेजर करेगा, दैट इज फिक्स्ड। इसलिए बोलते हैं कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए एक और दूसरा हम लोग सिचुएशन कंसिडर करते हैं। हम लोग गए कपड़ा खरीदने गए, तो जो दुकानदार है वो एक क्या कर रहा है, एक लोहे का स्केल रखा है 1 मीटर का, ठीक है। एंड विद दिस आयरन स्केल वो क्या करता है, तो वो हम लोग को प्रोवाइड करता है, कपड़ा नाप के देता है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा होता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये 1 मीटर का था,
बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से क्या हुआ, ये 1 मीटर से थोड़ा इसका लेंथ बढ़ गया। अब थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ गया तो अब क्या हो गया, ये मान लेते हैं इतना नहीं होगा फिर भी, मान लेते हैं इसका लेंथ बढ़ के ये हो गया 1.1 मीटर। ठीक है, तो ये तो 1.1 मीटर हो गया है, बेचारे दुकानदार को तो नहीं मालूम है क्योंकि तो वही स्केल है। तो लेंथ इसका बढ़ गया, लेंथ इसका बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ेगा, बहुत पॉइंट में बढ़ता है, लेकिन हम मान लेते हैं 1.1 क्योंकि समझने में आसानी होगी। तो 1.1 मीटर हो गया। अब हम कपड़ा खरीदने गए, मेरे को कपड़ा पसंद आ गया, मेरे को यही वाला कपड़ा लेना, इसी मैं सूट सिलवाऊंगा। तो मैंने कपड़ा लिया इसका, कितना मेजर किया मैंने, तो मैंने उससे मैंने बोला कि मेरे को 2-3 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो इस स्केल से मेजर किया, तो मेजर कितना करना था 3 मीटर, लेकिन कितना मेजर करते देगा हमको 3.3 मीटर। उसको मेजर करना था 3 मीटर, लेकिन हमको दे कितना रहा है, 3.3 मीटर दे रहा है। तो हमको क्या दे रहा था, हमको 0.3 मीटर ज़्यादा कपड़ा दे रहा है। नाउ अगर हम इसमें हम एरर फाइंड करते हैं, तो एरर फाइंड करते हैं तो हमको कितना देना चाहिए था उसको, 3 मीटर, हमको कितना दिया, तो 3.3 मीटर, तो एरर कितना हो गया, तो -0.3 मीटर। अब क्या होने वाला है, तो जितने लोग आएंगे उसके पास सबको क्या देगा, तो वो इतना ज़्यादा कपड़ा देने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द निगेटिव एरर। ये एरर हमेशा क्या होगा, तो उसके लिए निगेटिव होगा। दिस इज हाउ एरर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक एरर। फाइन, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं। नाउ सिस्टमेटिक एरर्स में भी टाइप होते हैं, तो उसमें पहला टाइप हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहले सब टाइप्स लिख लेते हैं, दूसरा हुआ एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक, तो टेक्निक और मेजरमेंट कंडीशन भी हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है पर्सनल एरर, और चौथा होता है हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ये जो भी एरर आ रहे हैं ये सारे के सारे एरर किसमें आएंगे, तो सिस्टमेटिक एरर में आएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यही फॉल्टी है, इसी में प्रॉब्लम है, जैसे भी मैंने बात करा था वेट का, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा। हमारा वेट ही ज़्यादा है या वेट ही कम है, तो वही ऑब्वियस एरर में आएगा, वो एरर क्या आएगा, तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, दैट इज गोइंग टू फिक्स। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर। इनपरफेक्शन मेजरमेंट टेक्निक और इनपरफेक्शन मेजरमेंट कंडीशन, कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट कंडीशन से मेजरमेंट टेक्निक एकदम परफेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से एरर आते हैं। जैसे हम लोग मेजर करने गए कि कोई सब्सटेंस के अंदर कितना हीट है, तो उसके लिए एक यूज होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर वो मेजर करता है कि कितना उसके अंदर हीट है, बट क्या सारा का सारा हीट ट्रांसफर होता है उसमें, तो नहीं, कुछ हीट एटमोसफेयर में भी खत्म हो जाता है। कितना भी हम कोशिश करें कुछ हीट एटमोसफेयर में खत्म हो जाता है। दैट इज द इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक और कंडीशंस। ये इनपरफेक्शन के वजह से उसमें एरर आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक। ठीक है, नाउ थर्ड द पर्सनल एरर। व्हाट इज द पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है, तो पर्सनल एरर मतलब हमारी गलती से होने वाले एरर्स। तो हम भी हो सकता है कि गलती कर, हो सकता है कि हमको पता ही नहीं हो कि कैसे मेजरमेंट करना है। हो सकता है नए नए हम लोग हैं, 10th से 11th क्लास में गए, 11th क्लास में पहुँचे, एक्सपेरिमेंट करने को बोल दिया गया, सर टीचर ने बताया, बट हमको उतना ध्यान नहीं रहा, हम लोगों ने गलती से हर बार हम गलत ही मेजर करते जा रहे हैं, तो हमारी वजह से भी गलती आएगी। तो वो जो हम बार बार गलती करें, तो हम गलती तो वही करने वाले हैं एक ही टाइप का, क्योंकि हम एक ही टाइप की गलती करने वाले हैं, तो हमको एक ही टाइप का या तो ज़्यादा मिलेगा या तो हमको कम वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें से कोई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, अब क्या करना है भाई, उसको डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बनने वाला अभी जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो उसको बोला गया कभी कि चलो भाई इसका, इस मरीज का बॉडी टेम्परेचर मेजर करके दिखाओ, तो बॉडी टेम्परेचर कहाँ पर मेजर करना चाहिए, क्या हम यहाँ पे गले में मेजर करें, हाथ के अंदर मेजर करें, मुंह के अंदर मेजर करें, कहाँ पर हम रख के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें।
अब ये डिपेंड करेगा वो पर्सन कहाँ पे टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग या तो ज़्यादा मिलेगा उसको हर बार रिजल्ट, या हर बार उसको रिजल्ट कम मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा इम्परफेक्शन हो पर्सनल रेट का रहेगा। ठीक, एक और हो सकता है वेट, हम जो वेट मेजर करते हैं जो मैनुअल मशीन्स होती हैं उसमें मैनुअल मशीन पे यहाँ पे मीटर दिया जाता है, उस पर मीटर दिया जाता है, उसमें हम काटा जाता है जो उसके अकॉर्डिंग वेट जैसे मूव करता है। अब अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमको अलग वैल्यू मिलेगा, इधर से देख रहे हैं तो हमको अलग वैल्यू मिलेगा, तो हम किस एंगल से देख रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हमारा पर्सनल एरर कहेगा, हमारी गलती की वजह से एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इन पर्सनल, ये पर्सनल एरर की कैटेगरी में आएगा। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कवरेज, ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस भी चेंज होते रहते हैं, और क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से भी एरर आएंगे, तो एक्सटर्नल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से किस टाइप के एरर आ सकते हैं वो हमको देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सबको पता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वेलोसिटी क्या होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, रूट के टेम्परेचर के, टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो क्या हुआ, आपको बोला गया सब कुछ कीजिए कि जाओ वेलोसिटी ऑफ साउंड की वेलोसिटी, सॉरी साउंड की वेलोसिटी फाइंड करके आओ, साउंड की वेलोसिटी फाइंड करके आओ, आपके साउंड की वेलोसिटी फाइंड करने आप बार बार जा रहे हैं सुबह 6 बजे और टेम्परेचर साउंड की वेलोसिटी फाइंड करके बता रहे हैं, साउंड की वेलोसिटी आ रहा है कितना 320 मीटर पर सेकेंड, गर्मी का दिन है, बट एक बार गए 320 आया, अगला दिन गए तो अगला दिन 12 बजे गए, अगला दिन 12 बजे पर 30 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, तो हमारा हमारा जो वेलोसिटी होगा वो बार बार चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएंगे, ये फिक्स है। तो क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस भी चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से एरर्स आएंगे, ये भी हमारा सिस्टमेटिक एरर में आएगा। ठीक है, इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है कि प्रेशर वेरिएशन हो रहा हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा हो सकता है कि विंड का वेलोसिटी चेंज हो गया हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो एरर आता है वो भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा टाइप का एरर हमारा है रैंडम एरर। Those error which have no, which can be positive or negative, both, and cannot be minimized. Awkward random error. वैसे पिछले केस में क्या था, वी चीज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्ड्स पे ध्यान देंगे, दैट वाज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है कभी भी, नेगेटिव भी हो सकता है कभी भी। तो जब कोई एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वैसे टाइप के एरर को क्या कहेंगे हम लोग, रैंडम एरर कहेंगे। तो कभी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, कभी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और क्योंकि इसमें इस टाइप के एरर में कौन होता है, द काउज ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर, आर नॉट नोन। इस टाइप का एरर का काउज क्या, ये तो पता ही नहीं रहता है, और क्योंकि हमको काउज ही नहीं पता रहा है कि क्यों ये एरर्स आ रहे हैं, तो हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप के एरर्स को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रैंडम एरर्स क्यों आते हैं, तो रैंडम एरर्स क्यों आते हैं ये तो पता ही नहीं है, इसी तो रैंडम एरर कहा गया। तो होता क्या है कि सपोज करो हमको कोई चीज मेजर करने के दिया गया, कोई चीज मेजर करना, चलो इसका लेंथ मेजर करो, तो तुम 15 मेजर करोगे, 15 बार थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा,
कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा। सपोज करो कोई रॉड है, रॉड के लेंथ मेजर करेंगे 15 मीटर का रॉड था, हमने एक को मेजर किया तो 15.2 मीटर आया, एक को मेजर किया 14.9 मीटर आया, एक को मेजर किया 15.3 मीटर आया, एक को मेजर किया 15.0 आया। मतलब क्या है, हर बार हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, क्यों मिलेगा ये नहीं कह सकते, ये ऐसे ही होता है अपने आप, थोड़ा एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस होते रहता है, तो प्लस माइनस होते रहता है, तो इस टाइप के एरर्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर रीजन पे तो नहीं आ रहा है, इसका रीजन तो हमको पता नहीं है, क्योंकि इसका रीजन हमको नहीं पता है, इसलिए हमको इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है क्या किया जाए, इसको इसको मिनिमाइज कैसे करें, एरर है तो मिनिमाइज तो करना होगा, तो इसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी लोग आईपीएल मिस कर रहे होंगे, तो आईपीएल मिस कर रहे होंगे तो आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, जैसे एक प्लेयर है क्रिस गेल, क्रिस गेल की बात करें, किसी मैच में चला तो 150 भी मार देगा, और नहीं चला तो 0 पे ही आउट भी चला जाता है। तो मान लेते हैं क्रिस गेल एकदम नया प्लेयर है, फर्स्ट मैच खेलने आ रहा है, फर्स्ट मैच खेला और उसने मार दिया फर्स्ट मैच में ही 150 रन, वो भी कितने ओवर पे, तो अभी बस 70 बॉल्स पे, तो क्या इसके फर्स्ट इनिंग के बेस पे हम लोग उसको मान लें कि ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ये मेरी टीम में होना ही होना चाहिए, कि और भी कुछ हम इसके लिए सर्च करेंगे, तो नहीं, एक मैच तो देख लीजिए बहुत अच्छी बात है, दूसरा मैच में भी देखेंगे, दूसरा मैच में क्या बनाया, तीसरा मैच में देखेंगे, तीसरा मैच में क्या, चौथा मैच में देखेंगे, चौथा मैच में क्या बनाया, तो 3-4 मैच देख के उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये चारों मैच मिला के इसका एवरेज क्या रहा, और ये जो एवरेज रहा 4 मैच 8 मैच 20 मैच 40 मैच, जितना ज़्यादा मैच होगा उतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू पर हम जाएंगे, तो ये जो हमारा एवरेज रहेगा दैट एवरेज विल गिव अ प्रॉपर वैल्यू, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक हमको पहुँचाएगा कि किस लेवल का प्लेयर है। इसे बात करते हैं विराट कोहली की, विराट कोहली काफ़ी फेवरेट, काफ़ी सबके फेवरेट होंगे, और शुरू से ही काफ़ी वैल्यूएबल प्लेयर है, वैल्यूएबल प्लेयर है, मतलब 19 अंडर 19 का वर्ल्ड कप इन्होंने अपनी कैप्टनशिप में जिताया। एक टाइम ऐसा आया, सम कमेंटेटर आई थिंक नाम नहीं याद आ रहा है, उसने ट्वीट किया था विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, मतलब उस टाइम उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, तो संजय मांझी ने कहा, उन्होंने बोला कि विराट कोहली को मतलब फॉर्म खराब चल रहा था, तो विराट कोहली को एक और मौका दिया जाए और पता चल जाए इसी से कि विराट कोहली का इंडियन टीम में कोई प्लेस नहीं है, मतलब अच्छा प्लेस नहीं चला था, एक दो मौका देकर उसको निकाल दिया जाए, तो क्या हम उसके 4 इनिंग शुरू के देख के या 5 इनिंग शुरू के देख के हम डिसाइड कर लें कि विराट कोहली किस लेवल का प्लेयर है? अगर वही शुरू के 5 इनिंग शुरू के 8 इनिंग अगर से हम डिसाइड कर लिए होते कि विराट कोहली इस लेवल का प्लेयर है, तो आज तक हम विराट कोहली को नहीं देख रहे होते। तो कोई भी वैल्यू को जब हम मेजर करते हैं तो पहले वैल्यू से या दो वैल्यू से हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसको रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, उसको कई बार रिपीट करेंगे, और हर बार रिपीट करके हम लोग उसका एक मीन वैल्यू निकालेंगे, और ये जो मीन वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होगा। देखना है कैसे, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास एक रॉड ही लेके चलते हैं, चलिए एक रॉड था, रॉड का एक्चुअल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को दिया गया, उसको मेजर करके दिखाओ, तो बच्चे का मेजरमेंट क्या आया, तो 10.4 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर और 10.2 सेंटीमीटर। ये 5 वैल्यू उसने मेजर किया। अगर हम पहला वैल्यू ही ले लेते, चलो 10.4 सेंटीमीटर है, मतलब 10.4 सेंटीमीटर ही होगा। अगर हम लोग ऐसा करते तो क्या होता, उस केस में क्या दिक्कत आता था कि 10.4 सेंटीमीटर हम मान चुके थे, 10.4 सेंटीमीटर मान चुके थे, तो हमारा क्या आता कि हम लोग 0.4 का एरर दे देते, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था, हम 10.4 लिखते। अब क्या करते हैं, तो हम लोग इसका मीन ले लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, तो हम इसको ऐड कर दो, 10.4 प्लस 9.2 प्लस 10.3 प्लस 9.8
प्लस 10.2, इसको ऐड कर देते हैं और इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया 9, 14.9, यह 5 कर दिए, ये आ गया 9.98 सेंटीमीटर। ये क्या रहा? इसमें एरर है, बिल्कुल इसमें भी एरर है, 0.2 का इसमें भी एरर है, सिर्फ 0.02 का इसमें एरर है, इसमें 0.4 का एरर आता है, 0.02 का एरर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी मेजरमेंट को हम रिपीट करते हैं, रिपीट करके उसका मीन वैल्यू देते हैं, तो हमको जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी क्लोज वैल्यू आएगा। इसलिए जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन जरूर लेना है, और 5 ऑब्जर्वेशन लेंगे तब उसका जो मीन निकालेंगे उसी को हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू का मानेंगे कि यही एग्जैक्ट वैल्यू हमारा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मिनिमाइज द एरर्स बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट एंड टेक देन फाइंडिंग द मीन ऑफ इट, ठीक है। नाउ द लास्ट एरर, the last error is called the gross error. Least count error. So what is least count error? The least count error kya hota hai? The least count sabse pehle kya hota hai? The minimum value that an instrument can measure is called least count of the instrument. तो एक इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाएगा। अब ये जो हमारा लीस्ट काउंट हुआ, जैसे हम किसके एग्जांपल दे सकते हैं, एक हमारे पास स्केल होता होगा, सभी बच्चों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होगा तो फिर भी स्केल तो होता ही होगा। इस स्केल्स में 30 सेंटीमीटर, 1 फीट में 30 रहता है और 6 इंच में 15 सेंटीमीटर रहता है, 30 सेंटीमीटर मान के रहता है, 30 सेंटीमीटर रहता है और 1 सेंटीमीटर फिर 10 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी इस स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं करेक्टली, तो वो हो गया 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर का 10th पार्ट यानी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम हम मेजर कर सकते हैं क्या? तो नहीं, 1 मिलीमीटर से कम हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमने गेस कर सकते हैं कि ये हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट मेजर तो नहीं कर सकते। तो अब इसके मिनिमम वैल्यू की वजह से क्या होने वाला है, तो हमको एक एरर आने वाला है क्योंकि इससे हम कम वैल्यू नहीं मेजर कर सकते हैं, तो हमको एरर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? सपोज कीजिए इस स्केल से हमको मेजर करना है, लेटेस्ट कंसीडर हमको मेजर करना है 12.25 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करना है, तो 12.2 तो मेजर कर सकते हैं, उससे ये तो मिलीमीटर से भी कम हो गया, मिलीमीटर से कम को तो मेजर कर नहीं सकते। तो ये जो एरर आएगा बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट एरर विल बी कॉल्ड द लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट काउंट एरर फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या देखा, तो कितने टाइप के एरर्स होते हैं और एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एरर्स फाइंड करेंगे। तो एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हमको टोटल मिला के 4 टाइप्स के एरर फाइंड करने का आता है। वो एरर्स हैं,